साइड एज, यहाँ किस्मत ने साथ नहीं दिया इस बार मलान का, किस्मत साथ थी हार्दिक पांड्या कुंफू पांड्या के साथ। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, क्या मजा आया, क्या क्लिनिकल है। और रोहित नाइट मैन शर्मा, ये नाम ही काफी है। जब भी रोहित नाइट मैन शर्मा होगा आपकी टीम जीतती है। T20 के अंदर इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दी है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो इंग्लैंड ने हीरोइक किस्म का कमबैक किया। टेस्ट मैच हारने के बाद 198 रन का जो टारगेट है वो इंडिया ने बोर्ड पे लगाया। खामोशी खामोशी। जय हिंद दोस्तों, T20 सीरीज के पहले ही मैच में इंग्लैंड पे इंडिया ने कर दिया चौतरफा हमला और टेस्ट में हुई हार का रोहित शर्मा ने ले लिया एक जबरदस्त बदला। इंडियन क्रिकेट टीम के इस तरह के खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर इंग्लैंड के ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया की भी चीखें निकल गई। ड्रॉप कैचेस, फील्डिंग, अक्षर प्ले, पटेल, गलत बैटिंग ऑर्डर, डीके की विकेट कीपिंग, नो मैटर कुछ भी हो जाए, 13वीं स्ट्रेट विक्ट्री फॉर विराट सॉरी रोहित द हिटमैन शर्मा। और कितने ने भाई कहा है वो दोस्त जो कह रहे थे इंग्लैंड को बात। हालांकि इंडिया ने अगर बैटिंग की बात करें 20 से 25 रन कम से कम किए हैं। अब जो दोस्त हवा में उड़ेंगे जो कहेंगे जी कमाल है हर चीज में, तो भैया इतने कैच, मोर देन हाफ अ डजन कैच, तीन चार कैच तो अकेले डीके ने छोड़े। और इस बार थोड़ी छोटी गेंद पुल किया, चार रन इनसाइड है। दोस्तों काम तो ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर दुश्मन भी तारीफ करने को मजबूर हो जाए। जैसे ये पाकिस्तानी मीडिया खुद को इंडियन क्रिकेट टीम का तारीफ करने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं ये पाकिस्तानी मीडिया इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में और क्या कहता है। स्काई ने छोड़ा, चाहल ने छोड़ा, स्टंप भी डीके साहब निकल ही गया था और बटलर के साथ जो आज कटलर बनाया उसका तौबा तौबा भुवनेश्वर कुमार। मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू रोहित द हिटमैन शर्मा, वर्ल्ड कैप्टेंसी, बच्चे को चार ओवर पूरे, हर्षदीप को भूवी के तीन ओवर शुरू में करवाए, हार्दिक किंगफू पांड्या को दिए और हार्दिक ने आज अपने कैरियर के बेस्ट फिगर 33 रन देके, इंग्लैंड उसे बहुत पसंद है, तीन दफा टॉप में इंग्लैंड के उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, 38-4, 33-4 पाकिस्तान के खिलाफ 8-9 रन देके 3 और आज फिर 4। तो भाइयों कमाल धमाल हो गया, वो बल्लेबाज वो पता नहीं केड़ी बाज, वो उत्ते वो तल्ले वो साड़ते वो पड़े, एक एक बॉल पे आपको देखे, एक एक बॉल पे आपके साथ रहे, मजा आ गया मजा आ गया। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मैच को जीतने के बाद रोहित शर्मा ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो अभी तक धोनी और कोहली के नाम भी नहीं है। आपको बता दूं कि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में लगातार 13 जीत करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं, यानी अब रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट का सबसे सफलतम कप्तान कह सकते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम और रोहित शर्मा अगले मैच में इस प्रदर्शन को किस प्रकार से जारी रखते हैं। यदि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा तो अगस्त में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान से भी हार का जबरदस्त बदला लिया जाएगा। उसके बाद इन पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट्स फाइट अगेंस्ट पाक मीडिया। जय हिंद।